गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 2 रोमन न्यूमरल्स, राइट। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं आपके लाइक दिस 1 to 3, 1 to 100,000 जो भी होते हैं आपके काउंटिंग, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ओके, रोमन न्यूमरल्स में आप इस तरह से लिखते हैं आई वी एक्स एल सी डी एम। आई किसको लिखेंगे आप, सिंगल होगा तो 1, वी 5 को लिखते हैं आप, एंड एक्स 10 के लिए है, L आपका 50, C आपका 100, D आपका 500 एंड 1000 इज M, ठीक है। ये आपकी 1 टू 10 है रोमन न्यूमरल्स, और आपके ये हैं नंबर टेंस में, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ये हैं आपके नंबर्स इन हंड्रेड्स, ठीक है। तो 100, 200, 300, 400, तो जिस तरह से आपको ये दिखना है, ठीक है, इनको आप अच्छे से देखिएगा। और इसके अलावा मैंने आपको PDF में रोमन नंबर्स भी सेंड किए हैं, पूरे रोमन न्यूमरल्स 1 to 100 सेंड किया है, उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट दिस, ठीक है। आपको ये नंबर दिए हुए हैं रोमन न्यूमरल्स में, इनको आपको टेबल में कंप्लीट करना है, ठीक है। हम जो रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं, जैसे कि हमें नंबर बनाना है, जैसे कि 14 बनाना है या 24 हमको बनाना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये है आपका एक्स एक्स आई वी, ठीक है। तो एक्स एक्स आई वी, आई वी मतलब क्या होता है आपका 4, ठीक है, और एक्स क्या है आपका 10, ये क्या है आपका 10, तो 10 एंड 10 20, 20 एंड 4 24, राइट। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा एक्स वी आई आई, मतलब दो बार है आपके, तो ये 2 हो गया, ये वी हो गया, यानी कि 5, 5 एंड 2 7, 7 एंड 10 17, ठीक है। एक्स सी वी, तो C आपका बाद में आ रहा है और X पहले आ रहा है, यानी कि आपको C में से क्या किया है, X को माइनस किया है। अगर आपका यहाँ पर सी एक्स होता है तो क्या होगा, उसमें C में हम X को प्लस करेंगे, अगर X C होता है तो हम क्या करेंगे उसके लिए C माइनस X करेंगे, ठीक है। तो वही किया हमने इसमें, और फिर है आपका V, तो यानी कि प्लस V, यानी कि 5, तो C माइनस X मीन तो 100 माइनस X, यानी कि 100 माइनस 10 इस कितना 90, 95, ठीक है। इसी तरह से हमने ये किया है, और इसी तरह से इसको, और ये भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया है। हम आते हैं आपके वराइट इन रोमन न्यूमरल्स, 12 को कैसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल्स में, 17 को कैसे लिखते हैं, 23 एक्स एक्स ट्रिपल आई, 28 एक्स एक्स वी ट्रिपल आई, 35 ट्रिपल एक्स वी, 40 एक्स एल, 76 एल डबल एक्स वी आई, ठीक है। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर द फॉलोइंग, इसमें आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। किस में लिखना है आपको, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। एल एक्स एक्स, एल मतलब कितना है आपका 50, और एक्स एक्स मतलब 20, 50 और 20 कितना हुआ आपका 70। इसी तरह से ये आपका 23, ये आपका 44, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 पर, राइट इज स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है। तो वो कैसे करना है, देखिए 95 अभी कितना है 90 और 7 97, तो 97 इज़ ग्रेटर देन 95, ओके। 35 और ये है आपका 35, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल टू का साइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपके मैचिंग, ये आप खुद से कर ही लेंगे मैचिंग, तो ठीक है। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आई एक्स एंड सी आर रिपीटेड नो मोर देन 3 टाइम्स। अब आपको ये बताना है कि आई एक्स और सी को हमने कभी भी, अभी तक आपने जितने भी रोमन न्यूमरल्स में देखे होंगे, आई का ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 बार यूज़ किया है, इसी तरह से हमने एक्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ किया है, इस तरह से हमने सी का भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार यूज़ किया है। तो सी कितना हो गया, ये 300 हो गया, जब 300 के बाद हमारा 400 आता है, तो 400 को क्या लिखते हैं हम, सी डी, क्या लिखते हैं हम, सी डी, डी मीन्स 500 और सी मतलब 100, मीन्स 100 में 500 में से हमने 100 को माइनस किया, तो क्या हो गया हमारा 400 हो गया, ठीक है। अब है आपका वी एंड डैश आर नॉट रिपीटेड, वी और ऐसी कौन सा नंबर है रोमन न्यूमरल्स में जिसको हम रिपीट नहीं करते हैं, तो देखिए एक तो वी है, कहीं पे भी आपने डबल टाइम्स नहीं देखा होगा इसको, ना ही एल को आपने डबल टाइम्स देखा होगा, ठीक है। तो ये दोनों हैं, I is subtracted only from V and X and only once. I और I को हम किस से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, V से और X से कर सकते हैं, यानी कि 5 से और 10 से कर सकते हैं, और केवल एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बार बार नहीं, ठीक है। X is subtracted only from L and C and only once.
इसी तरह से एक्स है, एक्स को हम एल से माइनस कर सकते हैं या फिर सी से कर सकते हैं, और ओनली वन टाइम्स ही कर सकते हैं। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।